हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल रही फार्मेसी सो so, फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेट्रा साइक्लिंग साथ तो के बारे में कि टैक्ट्रा साइकिल क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और साथ ही साथ मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं इससे पहले मैंने पेनिसिलिन से फाइलोस्पोरिन के बारे में कंप्लीट वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसको जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना तो चलो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो जो हमारा टेक्ट्रोसाइकिलीन होता है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है दे आर ऑप्टेन बाई फर्मेंटेशन फ्राम स्ट्रिप्टोमाइसिस स्पीसीज और बाई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है उसको किस तरीके से ऑप्टेन किया जाता है सिंथेसाइज़ किया जाता है तो बाई फर्मेंटेशन इसको हम लोग सिंथेसाइज़ करते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिस स्पीसीज से या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स से इसका हम लोग सिंथेसिस करते हैं प्रेजेंटली दे आर यूज अगेंस्ट वाइट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो जो टेट्रा एंटीबायोटिक है इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जैसे कि स्पाइरोचेट्स रिकिट्सिया माइकोप्लाज्मा और क्लेम क्लेमा डी तो इसका कुछ इसके खिलाफ इसका यूज किया जाता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का अगर इसकी कुछ हिस्ट्री के बात बारे, बारे में बात करें तो बेंजामिन डगर डिस्कवर द फर्स्ट टेट्रा एंटीबायोटिक क्लोटेट्रासाइक्लिन 1948 फ्रॉम द स्ट्रिप्टोमाइसिस एक््रियोफेसिन तो जो बेंजामिन डगर थे इन्होंने फर्स्ट टाइम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था जो कि थी क्लो टेट्रा नाइनटीन में उसके बाद इन 1950 फिफ्टी आर बी उडवर्ड डिसाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी तो 1950 सौ पचास में जो आर बी उडवर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्सी टेटर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था कि ऑक्सी टेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है अब बात करेंगे इसका टेट्रासाइक्लिन के क्लासिफिकेशन के बारे में तो इसको तीन पार्ट में क्लासीफाई की है आ, इसके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे यानी आ, कितने टाइम तक ये आ, अपना एक्शन शो करता है तो जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग तो शॉर्ट एक्टिंग में जो इसका ड्रग होती है जो शॉर्ट एक्टिंग की ड्रग होती है उसका अगर हाफ़ लाइफ की बात करते हैं तो वो छः से आठ घंटे के अप्रॉक्स होती है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोथ नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग तो इसका हाफ लाइफ की बात करते हैं तो लगभग इसका बारह घंटे का हाफ लाइफ होता है इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेथासाइक्लिन साइक्लिन डी मे, मैक डी मैक्लो और दो ही एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं उसके बाद अगर लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं तो इसका हाफ़ लाइफ की बात करते हैं तो लगभग सोलह घंटे और या उससे भी ज़्यादा इसके हाफ लाइफ हो सकते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं डॉक्सीसाइक्लिन साइक्लिन मीनोसाइक्लिन और मैक्लोसाइक्लिन तो ये कुछ इसके क्लासिफिकेशन है अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि टेट्रासाइक्लिन ड्रग के कुछ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं तो चलिए स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टेट्रा साइक्लिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है तो टेट्रा का मतलब ये आप समझ सकते हो चार यहाँ पे चार मैं रिंग ड्रॉ की गई है आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ओ एच ग्रुप अटैच है ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन में बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है टेट्रा साइक्लिन का बस इस पोजिशन पर आपको ओ एच ग्रुप दिख रहा होगा इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है वैसे ही आपको क्लो टेट्रा में आप देख सकते हो तो यहाँ पे बस सी एल ग्रुप अटैच हो गया तो ये हो गया क्लो टेटरा काफ़ी इजी है स्ट्रक्चर आप अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आप टेट्रासाइक्लिन का लर्न कर लेते हो तो आप इजीली तीन चार ड्रग का तो इजीली आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे वैसे आप मीनो का देख सकते हो यहाँ पर सी एल की जगह पे एन सी एस थ्री सी एस थ्री ग्रुप अटैच है वैसे ही डॉक्सीसाइक्लिन है यहाँ पे आप डॉक्सीसाइक्लिन का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो तो ये इसके कुछ स्ट्रक्चर थे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन प्राइमली बैक्टेरियो स्टेटिक मीन्स दे इनिवेट द ग्रोथ ऑफ़ बैक्टीरिया बाय इनिवेटिंग इट्स प्रोटीन सिंथेसिस तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है वो बैक्टेरियो स्टेटिक नेचर का होता है यानी ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है ना कि बैक्टीरियल साइडल होता है यानी बैक्टीरिया को ये किल नहीं करता उसकी ग्रोथ को ये इनिवेट करता है कैसे करता है उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया में ये उसको इनिबिट करके बैक्टीरिया ग्रोथ को इनिबिट करता है आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है वो रिवर्सली बाइंड करता है थर्टी एस राइबोजोम सब यूनिट के साथ एंड प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिल टी आर एन ए टू एम आर एन ए राइबोजोम कॉम्प्लेक्स विच इनिबिट द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सीसीज तो जो हमारा टेट्रासाइक्लिन होता है वो थर्टी एस राइबोजोम सब यूनिट के साथ बाइंड करता है उसके बाद आ, जो एमओ एसिल टी आर एन ए है उसकी बाइंडिंग को इनिवेट करता ही है ये एम आर एन ए रबोजोम के साथ जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन है उस वो नहीं हो पाता और यहाँ पे हमें बैक्टीरियो स्टैटिक एक्शन देखने को मिलता है अगर इसके कुछ यूजेस की बात करते हैं तो यूज़ टू ट्रीट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इसका इस्तेमाल हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन में करते हैं आई इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन लाइक सेफ्लिक्स सिनेस्टिस एक्ने एंड मलेरिया तो इसका इस्तेमाल हम लोग सिलेप्सिस एक्ने और मलेरिया में भी करते हैं इसका रिसेंटली यूज़ आपने कोविड नाइन्टीन के टाइम पे भी इसका यूज़ देखा होगा तो आई होप आपको समझ गया आ गया कि टेट्रासाइक्लिन क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है मोड ऑफ़ एक्शन और उसके यूजेस तो वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए